गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी अवर चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस हार्डवर्क एंड एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर फोर सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर हार्डवर्क नंबर वन स्पेसशिप नंबर टू ब्राजील नंबर थ्री अर्जेंटीना नंबर फोर ग्रेविटेशनल नंबर फाइव ब्लॉब्स ब्लॉब्स यानी कि वॉटर ड्रॉप्स जैसे होते हैं ठीक है नंबर सिक्स कर्व नंबर 7 साइंटिस्ट नंबर 8 डिवीजन, नंबर नाइन इज ट्विंकलिंग, नंबर टेन सिल्वरी इलेवन शूटिंग 12 सेटेलाइट नंबर थर्टीन फैसिनेटेड, फैसिनेटर यानी कि आकर्षक होना जैसे अदर्स लोग भी आकर बच्चे फैसिनेटेड होते हैं आकर्षक होते हैं उनको कुछ चीज़ों की जानकारी बहुत अग्रेसिवली चाहिए होती है वैसे ही सुनीता um, विलियम्स जो है वो भी फैसिनेटेड हो गई थी आकर्षक हो गई थी किसी से ठीक है नंबर फोर्टीन इंटरेस्ट है नाउ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन चूज द करेक्ट आंसर नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब यानी ग्लोब के सबसे लोअर पार्ट में कौन सी कंट्रीज सिचुएटेड है तो आंसर इज ऑप्शंस आर ए इंग्लैंड बी ब्राज़ील सी जर्मनी डी यूएसए सो द आंसर इज बी ब्राज़ील नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन स्पेस यानी इनमें से कौन uh, uh, क्या स्पेस में होता है ए स्टार्स बी मून सी सन एंड डी ऑल ऑफ दिस तो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दिस ये स्टार सारे जो है वो स्पेस में होते हैं स्टार सन मून ओके नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज़ रिलेटेड टू द मून ये इनमें से कौन सा जो फेस्टिवल है वो मून से रिलेटेड है ऑप्शंस आर ए होली बी दशहरा सी ईद एंड दी क्रिसमस सो द आंसर इज ईद हीर ओके तो सी ईद जो है वो है आंसर बट यहाँ पे अगर uh, गुरुपुरब अगर होता गुरु पूर्णिमा तो वो भी मून से ही रिलेटेड होता है ना मून से ही रिलेटेड है बट यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ ईद जो है जो कि रिलेटेड है फेस्टिवल रिलेटेड है मून से ओके नंबर फोर इन हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डैश यानी हाई स्कूल में जब सुनीता थी तब उसे क्या बनना था ऑप्शन आर टीचर बी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पायलट सी ड्राइवर

Options are A. In 2002, B. In 2005, C. In 2007 or D. In 2009. So the answer is C. In 2007. May record usne set kya Question number 2. Write T for true and F for false statements. Number 1. The sky, stars, sun and moon are inside the globe. No. It's false. दिस इज इन स्पेस है ना ग्लोब में ये नहीं होते हैं नंबर टू फूड एंड वाटर ऑल्सो फ्लोट इन अ स्पेस शिप येस इट्स ट्रू स्पेस शिप में सारी चीज़ें फ्लोट ही होते रहती uh, है बिकॉज वहाँ पर जीरो ग्रेविटेशनल ज़ीरो ग्रेविटी होती है दैट्स वाई नंबर थ्री द अर्थ पूल्स एवरी थिंग टूवर्ड्स इट सेल्फ यस इट्स ट्रू और जो है वो सारी चीज़ें अपनी तरफ ही खींचता है नंबर फोर सुनीता विलियम्स वेन सिक्स थर्टी किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ क्या सुनीता विलियम्स सिक्स थर्टी किलोमीटर्स दूर थी अर्थ से नो इट्स फॉल्स तो यहाँ पर आएगा थ्री सिक्सटी किलोमीटर्स है न सिक्स थर्टी नहीं थ्री सिक्सटी किलोमीटर्स अवे फ्राम द अर्थ वो थी देन नंबर फाइव देअर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स एंड कंट्रीज यानि स्टेट्स और कंट्रीज के बीच में Uh, uh, क्या ड्राई लाइन्स ड्रॉ की हुई दिखती है ग्राउंड पे सो आंसर इज हियर ये हमें नहीं दिखती है ग्राउंड पे ये दिखता है हमें मैप में ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो ओके नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन द ब्लू पार्ट्स ऑफ द ग्लोब आर डैश ये जो ग्लोब में का ब्लू पार्ट जो है वो uh, क्या होता है आंसर इज सीज एंड ओशंस इसलिए वो ग्री ब्लू कलर में डिफाइन होता है नंबर टू वाटर फ्लोट्स लाइक डैश इन स्पेस स्पेस में वाटर uh, कैसे तहरता है कैसे फ्लोट होता है तो लाइक अ ब्लॉब्स यानी कि ड्रॉप्स जैसे नंबर थ्री सुनीता विलियम्स हैज़ स्पेंट मोर दैन डैश इन स्पेस सुनीता विलियम्स ने करीब कितने मंथ uh, स्पेस uh, uh, में गुजारे तो मोर देन मंथ्स महीने से भी ज्यादा वक्त उसने स्पेस में गुजारा था नंबर फोर सुनीता विलियम्स कुड ओनली मेक आउट द द द डैश डैश एंड ऑन अर्थ फ्रॉम स्पेस सुनीता विलियम्स सिर्फ uh, क्या देख पाई स्पेस में से अर्थ पे तो ओनली लैंड एंड सीज ही उसे दिखाई दे रहा था स्पेस में से क्वेश्चन नंबर फोर ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नंबर्स अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ दैम यहाँ पे जो पिक्चर्स uh, दिखाई दे रहे हैं वो पिक्चर uh, के स्टेटमेंट्स नीचे लिखे हुए हैं जिसको आपको करेक्ट करेक्ट रो में लगाना है करेक्ट वे में लगाना है नंबर वाइज ओके सो हम लोग स्टेटमेंट नंबर वन देखते हैं लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग तो यहाँ पे आपको ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो कौन से पिक्चर में आपको दिख रहा है तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो स्पेस निकला हुआ है ठीक है स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में निकला हुआ है देन राइट हैंड साइड में जो दो गर्ल्स आपको दिख रही है एक है सुनीता और दूसरी उसकी कलिक वो क्या कर रहा है देन उसके नीचे जो है सुनीता विलियम्स वर्क कर रही है ये जो पिक्चर है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिखेंगे क्लियरली ठीक है तो ये सुनीता विलियम जो है वो कर रही है वर्क ठीक है नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग जो कि उसको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है करते वर्क करते वक्त और उसके जो हेयर है वो स्टैंडिंग है राइट तो यहाँ पे आ, जो नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वो आएगा पिक्चर नंबर थ्री ओके ये नंबर थ्री का पिक्चर है राइट जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है देन फर्स्ट वाले इसमें आप थ्री नंबर डालोगे नंबर टू सुनीता आउटसाइड द स्पेस शिप रियली इन स्पेस यहाँ पे सुनीता जो है वो स्पेस शिप में से बाहर निकली हुई है देखो कहाँ दिख रही है जो स्पेस में है ऑब्वियसली ये जो लास्ट वाला पिक्चर आपको दिख रहा है वाइट ड्रेस पहना हुआ ठीक है तो यहाँ नंबर आएगा फाइव ये फाइव नंबर का पिक्चर है देन नंबर थ्री वी टेक ऑफ यानी वो निकले स्पेस के लिए निकले तो वो सबसे फर्स्ट वाला नंबर है जो स्पेस क्राफ्ट आपको जाता हुआ दिख रहा है स्पेस में दैट इज़ टेक ऑफ यानी नंबर वन वहां पे आएगा देन नंबर फोर स्टेटमेंट है वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे यानी ये जो खाना है वो कहाँ पे उड़ के जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो वीड टेक ऑफ वाला जो पिक्चर है फर्स्ट वाला उसके एग्जैक्टली exactly नीचे यहाँ पे देखो खाना भी उड़ रहा है फ्लोट हो रहा है बाकी सारे भी लोग फ्लोट होके खा रहे हैं तो ये वाला पिक्चर आएगा दैट इज नंबर थ्री ओके ये है नंबर थ्री और नंबर वन वाला स्टेटमेंट जो आएगा वहाँ पे नंबर फोर आएगा सॉरी ठीक है ये कैसे अकॉर्डिंगली दिया हुआ है फर्स्ट वाला है वो टेक ऑफ वाला पिक्चर उसके बाजू में जो दो गर्ल्स दिख रही है दैट इज सेकेंड नंबर का पिक्चर देन खाना जो फ्लो फ्लोट हो रहा है दैट इज थर्ड नंबर देन सुनीता विलियम्स जो वर्क कर रही है दैट इज फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर इज जो की स्पेस शिप से वो बाहर दिख रही है सुनीता विलियम ओके देन है नंबर फाइव लास्ट वाला अवर फिट डजेंट स्टे ऑन द फ्लोर हमारे जो पैर है वो जमीन पे नहीं है तो वही जो दो गर्ल्स आपको फ्लोट करते हुए दिख रही है जो सेकेंड नंबर का पिक्चर है तो आपको वहाँ पे लिखना है नंबर टू तो ये कैसे सिक्वेंस आएगा स्टेटमेंट्स कैसे आएंगे फर्स्ट वाला है फोर्थ पिक्चर सेकेंड स्टेटमेंट के लिए फिफ्थ पिक्चर देन थर्ड स्टेटमेंट के लिए है वी टेक ऑफ फर्स्ट वाला एंड देन नंबर फोर वेयर इज़ दिस फूड फ्लाइंग अवे तो ये आएगा नंबर थ्री एंड फिफ्थ वाला जो है अवर फिट डजेंट स्टे ऑन द फ्लोर ये है नंबर टू वाला स्टेटमेंट पिक्चर टू या शो होगा ओके सो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज सो वी विल सी इन वी विल सी रिमेनिंग एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट लेक्चर सो योर टू होमवर्क इज यू हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर ई वी एस नोटबुक बट आपकी ई वी एस की नोटबुक मेरे पास है चेकिंग के लिए क्लास वर्क वाली सो यू हैव टू कॉपी दिस इन योर रफ नोटबुक और जब मैं आपको आपकी नोटबुक्स रिटर्न करूँगी उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें फेयर में फेयर करना है अंडरस्टूड सो टिल देन टेक केयर बाय बाय